वीडियो में दिखा रहा हूँ हमारे गुरुद्वारे का। हिंदुस्तान के ही नहीं, विश्व में जितने भी गुरुद्वारे हैं वो लंगर लगाते हैं। गुरु नानक जी ने ये लंगर चालू कराया था, और ये लंगर न जाने कोरोना में कितने लाखों लोगों को हर दिन हर समय भोजन करा रहा है। इस सिख धर्म को प्रणाम, बाबा गुरु गोविंद सिंह को प्रणाम, गुरु नानक जी को प्रणाम, उनके चरणों में सत सत प्रणाम, ऐसे भक्तों को बहुत ज़्यादा प्रणाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये गुरुद्वारा बंगला साहिब का लंगर हॉल है। ये वो लंगर हॉल है जहाँ हज़ारों लोग रोज लंगर छकते थे, लेकिन आज इस लंगर हॉल के हमारे स्टोर भर जाने के कारण आज इन लंगर हॉलों की जगह के अंदर ये सारी रसद की बोरियां उतारी गई हैं। ये सारी रसद आप जैसे अनेकों परिवारों की तरफ से गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरुद्वारा सीसगंज साहिब, गुरुद्वारा नानक प्यो साहिब, गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, ये हमारे सारे स्टोर भरने के बाद अब ये रसद स्टोरों से बाहर, ये बरामदे से बाद लंगर हॉल, जो आपने देखा गुरुद्वारा बंगला साहिब की जो सेवा को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने गुरुद्वारों का धन्यवाद किया, ये वही स्थान है गुरुद्वारा बंगला साहिब। इसका ये जो लंगर हॉल था जिसमें कभी संगत बैठ के लंगर शक्ति थी, आज ये लंगर हॉल सारा रसद से भरा गया है। ये हमारे स्टोर पूरे भर जाने के कारण, और आप देखिए मानवता की सेवा करने के लिए कौन कौन आ रहा है। जब मैं नाम पढ़ता हूँ, कभी बनर्जी, हमने बंगाल में से बनर्जी, ये देखो कोई जगह नहीं बची हमारे पास, इतनी रसद रोज आती है, इतनी चले जाती है, जैसे रोज आ रही है उससे ज़्यादा रोज जा रही है। रेड्डी साउथ इंडिया से, ये देखो परमात्मा का घर जो है, यही परमात्मा के घर का और सरकारों का अंतर है। परमात्मा के घर में उस परमात्मा की जो सारी दुनिया को देता है उसकी रहमत से ये चलते हैं। आप सब लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, ये बनकर रसद जारी है, ये बनकर कितने लाखों लोगों के लिए ये खाना बनकर जाता है। निरंतर ये सेवाएं चल रही हैं, निरंतर ये बन रही हैं। आप देखिए बनर्जी परिवार, बनर्जी बंगाल से हैं, रेड्डी साउथ इंडिया से हैं। जब मैं रसीद पढ़ता हूँ सामान किसके आया है, कोई कहता है ये बनर्जी जी, इनका नाम रेड्डी है। ये हमारी ऑटोमेटिक मशीनें हैं जो प्रसादे बनाती हैं, पहले एक थी, आप लोगों ने संगत ने बहुत प्यार किया और एक मशीन हमें और अभी भेजी, आज दो मशीनों से कितना आटा बन गया सवेर तक का। वज फतेह जी, फतेह पक चुके हैं, 15 क्विंटल, आप समझ लीजिए 1500 किलो आटा अब तक बन चुका है, और ये दोनों मशीनें निरंतर चल रही हैं, और एक मशीन लगभग 4 से 4.5 हज़ार प्रसादे एक घंटे में बनाती है। अब ये देखिए ये सब रस्ते बन बन के जा रही हैं, ये अगले खाने की तैयारी हो रही है। निरंतर सेवाएं, निरंतर पूरी मानवता पे इतनी बड़ी विपता आई है, लेकिन ये गुरुद्वारा वही बंगला साहब है जिसको आपने देखा हो, दिल्ली पुलिस ने परिक्रमा करके इन सेवादारों का धन्यवाद किया। ये जो सेवादार आप देख रहे हैं, इन सब का दिल्ली पुलिस ने गुरुद्वारे के अंदर, गुरुद्वारे के बाहर परिक्रमा करके सायरन के साथ सलूट देते हुए, ये देखिए ये हमारे इंचार्ज रंजीत सिंह जी लगातार सुबह 4 बजे से लेकर सेवा करते हैं, और निरंतर ये सेवाएं चल रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग हो उसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह देगे भर भर के ये दाल जो बन रही हैं, ये दाल के देगे लगातार निरंतर। वाजी फतेह जी, ये देखिए आप, कोई जगह ऐसी नहीं है, और इतना ही लंगर बन के जा चुका है, इतना ही बन रहा है, ये गुरु की कृपा है। गुरु नानक देव पातशाह जी ने लंगर की प्रथा हमें सिखाई,
दोस्तों ना जाने आप में से किस किस का इसके अंदर हिस्सा है, पर मैं आपको एक बात विश्वास से कह सकता हूँ, शायद आपने ये कभी सोचा नहीं होगा, आप एक दिन मेरी इस बात को जरूर याद करेंगे, जिन जिन भाइयों ने इसमें हिस्सा डाला है परमात्मा उनको कितनी खुशियाँ देगा, शायद उन्होंने इसकी कल्पना नहीं की। ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा है जो लंगर की सेवा चल रही है। इसमें धर्म नहीं देखा जाता, इसमें ये नहीं देखा जाता ये हिंदू है, ये सिख है, ये मुसलमान है। हम यहाँ ना तो राशन कार्ड देखते हैं और ना ही हम किसी आने वाले का नाम देखते हैं। ये सेवा केवल और केवल सेवा के रूप में चलती है। देखिए अब ये देखिए किस तरह से ये मशीनें ऑटोमेटिक जो प्रसादे आ रहे हैं, ये देखिए आप, देखिए इस मशीन में से लगातार हर सेकंड प्रसादा नीचे आ रहा है। इसी तरह इधर वाली मशीन देखिए, लगातार एक सेकंड का भी, ये देखिए एक सेकंड का अंतरकाल नहीं होता और प्रसादे हमारे हेड सिंह जी भी आपसे, क्योंकि मैं हिंदी में इसलिए बात करता हूँ, लोग मुझे बार बार कहते हैं हिंदी में बात करो, हम भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ हमारे सिख श्रद्धालु